पढ़ने वाले बच्चे के लिए दिमाग का तेज होना काफी जरूरी होता है, ताकि वो किसी भी चीज को आसानी के साथ याद रख सके और एक लंबे समय तक उसको याद रख सके। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को आसानी के साथ याद नहीं कर पाते हैं, या अगर याद भी कर लेते हैं तो लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। इसी तरीके से उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई लोगों की याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। किसी भी चीज को ढूंढने या काम को याद रखने के लिए उन्हें दिमाग पर काफी जोर डालना पड़ता है। अगर आपको भी ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ फूड आइटम का इस्तेमाल करके आप अपनी याददाश्त को सही कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। सो आज का इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम के बारे में जिनका आप रेगुलर इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को काफी तेज कर सकते हो और आप अपनी याददाश्त को भी मजबूत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर फर्स्ट, बादाम। याददाश्त बनाए रखने के लिए बादाम को काफी यूजफुल माना जाता है। बादाम में मौजूद पोषक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, मैंगनीज, कॉपर और राइबोफ्लेविन वगैरह अल्जाइमर और दिमाग की दूसरी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। बादाम खाने का तरीका यह है कि रात को आप 5 बादाम भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठकर उनका छिलका उतार कर आप उस बादाम को खाइए और ऊपर से उस पानी को भी पी लीजिए। अगर आप बादाम का रेगुलर इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग काफी तेज हो जाएगा और आपकी मेमोरी पावर काफी मजबूत हो जाएगी। नंबर सेकेंड, मछली। मांसाहारी लोगों के लिए मछली का इस्तेमाल दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। मछली में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी के कारण इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। मछली याददाश्त और कंसंट्रेशन में बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा मछली का इस्तेमाल करिए। नंबर थर्ड, जामुन। जामुन भी गुणों से भरपूर होता है। इसमें आपकी मेमोरी पावर को तेज करने की पूरी कैपेसिटी होती है। इसमें मौजूद एंथोसिमिन और फिसेटिन जैसे फिसेटोकेमिकल्स आपकी याददाश्त को बढ़ाते हैं। इससे आपको अपनी पिछली बातों को याद करने में काफी हेल्प मिलती है। अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा जामुन का इस्तेमाल करिए। नंबर फोर्थ, अंडा। अंडा भी याददाश्त को बनाए रखने के लिए और मेमोरी पावर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। खासकर इसका पीला भाग तो ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो आपके दिमाग को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा अंडे में लेसिथिन और सेलेनियम वगैरह भी पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन की कार्य क्षमता यानी कि वर्किंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। नंबर फिफ्थ, पालक। याददाश्त को बनाए रखने के लिए पालक सबसे सर्वोत्तम आहार माना जाता है। पालक में विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे फोलेट और फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसी विटामिन की कमी के कारण दिमाग में कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इसके अलावा दिमाग के लिए जरूरी और फायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा पालक में होती है। इसके सेवन से आपकी याददाश्त, तर्क लेने की शक्ति और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। नंबर सिक्स, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैट्स काफी मात्रा में होते हैं, जिससे ब्लड वेसल की एक्टिविटी बढ़ती है। ब्लड वेसल की एक्टिविटी से याददाश्त भी बढ़ती है। इसीलिए आप अपना खाना पकाने का तेल बदल दीजिए और ऑलिव ऑयल में आप अपना खाना पकाना शुरू कर दीजिए। नंबर सेवन में है अखरोट। अखरोट दिखने में बिल्कुल दिमाग जैसा ही लगता है। रिसर्च के अनुसार अखरोट 3 दर्जन से भी ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है। यह ब्रेन प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। साथ ही अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद नेचुरल केमिकल्स को नष्ट होने से रोककर रोगों की रोकथाम करता है। इसमें काफी हाई मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। रोजाना अखरोट के इस्तेमाल से याददाश्त भी बढ़ती है। सो ये 7 फूड आइटम्स है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।